आज कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने सनसनीखेज बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं जानता हूं कि अभी के ये हालात नहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें मिल सके, तो मैं धारा 370 या दूसरी बातों के बारे में कोई वादा नहीं करता हूं। आइए सुनते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को। इसलिए किसी का ये कहना कि हमने 370 के बारे में बात नहीं की, अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से नहीं अकेला ही बात कर रहा है और तो किसी ने की नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे? तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हालिया बात नहीं करूंगा। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।